आईटी का जमाना आ गया है। आईटी जमाने के बाद यदि फैकल्टी नहीं है, वैकेंसी है, तब भी एक कॉलेज में पूरी फैकल्टी से वेबिनार के माध्यम से हम टीचिंग करा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि समय आ गया है, यदि सरकारों के पास पैसा नहीं है, पद नहीं, हम क्रिएट कर सकते हैं, तो नए सिरे से आईटी का उपयोग कैसे हम कम स्टाफ में ज़्यादा लोगों को टीचिंग दे सके, इसके संबंध में विभाग को चर्चा करनी चाहिए, जिससे इफेक्टिव हम टीचिंग कर सकें। अन्यथा कॉलेज खोल दें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होगी तो हम बच्चों के साथ न्याय नहीं करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आईटी को इन्वॉल्व करके किस तरह से हम आईटी के माध्यम से फैकल्टी हमारे पास जो अवेलेबल है उस फैकल्टी का बेस्ट उपयोग लेकर वेबिनार के माध्यम से जो क्लासेस लेंगे तो मैं समझता हूँ कि इफेक्टिव ढंग से हम टीचिंग कर सकेंगे। इस संबंध में भी विभाग को कोई चर्चा करके निर्णय करना चाहिए, अन्यथा ये 918 जो आपकी वैकेंसी है वो जितने कॉलेज खोले उसमें फैकल्टी को पूरा नहीं कर सकेगा। तो क्लासिकल एग्जाम्पल है, 2015 में कॉलेज चला, 2022 हो गया, 2022 तक वहाँ तो शैक्षणिक पद भरे हुए नहीं है, फैकल्टी नहीं है, तो जिस तरह की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम दे रहे हैं बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा। मेरी आपसे अपेक्षा है कि जमाना बदल गया है, आईटी के माध्यम से हम कम स्टाफ में कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कर सके, इस संबंध में विभाग को आईटी के एक्सपर्ट के साथ उपयोग कर इसका निर्णय करना चाहिए, जिससे हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कर सके। संस्कृत शिक्षा के कॉलेज बंद होने की कगार पे 75% पद रिक्त पड़े, और मुझे चतुर्थ सत्र में भी उत्तर यही मिला था कि प्रक्रियाधीन है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये प्रक्रिया कितने समय से प्रक्रियाधीन है और कब तक पूरी हो जाएगी? सर, माननीय सदस्य ने जो बताया कि कॉलेज शिक्षा के अंतर्गत संस्कृत महाविद्यालय संस्कृत शिक्षा में 75% पद रिक्त हैं, ये गलत है। मैं बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए, प्रोफेसर 7 पद स्वीकृत है, 7 कार्यरत चल रहे हैं, 0 खाली है। व्याख्या था 188 पद स्वीकृत है, 90 भरे हुए हैं, 98 खाली हैं। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी 4 स्वीकृत हैं, 3 कार्यरत हैं, 1 खाली है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी 28 स्वीकृत हैं, 20 भरे हुए हैं, 8 खाली हैं। इस तरह से यूडीसियां कुल में बताना चाहूँगा 379 पद स्वीकृत हैं, टोटल विभिन्न संवर्गों के 206 भरे हुए हैं, 173 खाली हैं। और इनको शीघ्र ही, जैसा कि आपने कहा, एक मिनट, कब तक भर दिए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिशत की बात नहीं कर सकता, हो सकता है प्रतिशत गलत हो। 2006 में भी खाली, 2006 से खाली है, 8 से खाली है, 11 से खाली है, 14 से खाली है, और सवाल का जवाब वही आ रहा है। आपने 2018 में योग बताया कि 100 भर्ती और 118 खाली हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये प्रक्रिया कब पूरी हो जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि स्कूलों की जो थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती रीट 2021 का जैसे ही आयोजन होगा उसके बाद तुरंत भर दिए जाएंगे, और बाकी पदों के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज रखा है 1500 लगभग पदों के लिए। सेकंड ग्रेड के जो पद हैं उनको भर दिए जा रहे हैं। कॉलेज शिक्षा के मैं खुद, मेरे यहाँ भी कॉलेज है, मैं उसको देख रहा हूँ। मैं 2013 से खाली है, 19 से खाली है, कॉलेज एजुकेशन संस्कृत का कोलैप्स हो चुका ऑलमोस्ट। देखें, मतलब प्राचार्य खुद का देख रहा था, नाथद्वारा प्राचार्य का पद खाली है, साहित्य का पद खाली है, अंग्रेजी का पद खाली है, तो कॉलेज आफ्टर कॉलेज यदि इसी तरह से पोस्ट वैकेंट रहेगी तो संस्कृत के प्रति लोगों की रुचि खत्म हो जाएगी। जो भी आप निर्णय करें, कम से कम ये करें कि वहाँ पर पढ़ाई सुचारू रूप से चले, उस संबंध में जो भी निर्णय करना है, जैसे कॉलेज एजुकेशन ने किया है, आपको कोई टीचर्स को टेम्प्रेरी लगाना है या उसको व्यवस्था करनी है, कुछ न कुछ व्यवस्था करके उन कॉलेजों में टीचिंग का काम होना चाहिए। पर ये जो पद खाली है वो इंडिकेट करते हैं संस्कृत एजुकेशन के कॉलेज सारे कोलैप्स हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्देश है उसको उसका कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मैं साथ में बता रहा हूँ कुछ थोड़ा वो संशोधन चल रहे हैं नियमों के, कॉलेज शिक्षा के जैसे ही नियम हो जाएंगे और उसके बाद इसके तहत ही गेस्ट फैकल्टी के द्वारा अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाएगी।